हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का सोल्यूशन, जिसके अंदर आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है, उनके अंदर डिग्रीज उनकी क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स के, इसके अलावा वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले उनके कुछ बेसिक्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी, अगर यहाँ पे मोनो दिया हो तो मोनिनोमियल्स हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा मतलब कि एक, बायनोमियल दिया हो तो दो, ट्राइनोमियल दिया हो तो तीन। पॉली का मतलब होता है मेनी जिसमें, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। मतलब कि अगर 1 -1 2 -2 आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स विथ वन टर्म्स, ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट क्या है, अगर पूछा जाए कि कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप ये कहेंगे कि ये वन टर्म वाला पॉलिनोमियल है यानी कि मोनोमियल है। अगर जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं तो आप बोलेंगे ये हमारा बायनोमियल का, बाइनोमियल्स की कंडीशन से को, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से, तो यहाँ पे सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं हमें। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स में आपको जो ध्यान देना है कि वेरिएबल कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो एक्स है ना ये हमारा वेरिएबल कहलाता है, एक्स का ये एक्स वेरिएबल है। कोफिशियंट, ये फोर हमारा कोफिशियंट हो गया, अगर यहाँ पे फाइव होता तो फाइव कोफिशियंट कहलाता है। ये हमारा ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है दो टर्म्स को, और ये जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में समझें कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल्स की कुछ बेसिक सी डिग्री होती है जिसके बारे में आपको समझना होगा कि डिग्री किस तरीके से पॉलिनोमियल्स की वर्क करती है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए अगर पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में बात की जाए कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री बहुत सिंपल होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल्स की वो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहलाता है। मतलब कि आप हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री बोल सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, आप ये ध्यान से समझिए। और जो टर्म होते हैं, जो टर्म होते हैं उनके, द डिग्री ऑफ टर्म्स इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ देयर वेरिएबल्स इट्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करने की बात करें, जैसे 3x माइनस का 2 दिया हुआ इक्वल टू 3, तो इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पे देखिए जो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 5x, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट डिग्री 4, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 5, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 6। तो ये सारी जो हाईएस्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री फाइंड आउट करना। तो डिग्री के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया हो चुका होगा, टर्म्स के बारे में आपको आइडिया है कितने टर्म्स है, 1 2 3, ये तीन टर्म्स होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप टर्म्स के बारे में भी जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि इन पॉलिनोमियल्स विथ मोर देन वन वेरिएबल, जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, मतलब जिसके अंदर एक्स भी हो और वाई भी हो, वेरिएबल का मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जो एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है कि क्या आ सकता है। कॉन्स्टेंट जो फिक्स होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। और इसके अलावा मैंने ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दिया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, देखिए अगर मैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे डिग्री तो इसकी 2 हो गई, लेकिन x का, अगर x की बात करें तो x की जो डिग्री है वो 1 है और y की भी 1 है। यहाँ पे x की तो 2 है, y की भी 2 है, यहाँ पे x की 2 है बट y की 2 है, तो x की डिग्री क्या है, y की डिग्री क्या है। इसी तरीके से जिसमें 0 डिग्री होती है उसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जिसमें 1 होती है उसमें लीनियर, जिसमें 2 होती है वो क्वाड्रिक कहलाता है, जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक, 4 वाले को क्वाट्रिक बोलते हैं और 5 वाले को क्वांटिक बोलते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका हो कि अगर 1 डिग्री होती है तो क्या बोलते हैं, 2 होती है तो क्या बोलते हैं। इसके अलावा आपको ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट, कोफिशियंट्स के बारे में आइडिया लग चुका होगा, और वेरिएबल्स के बारे में आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया है, इनको समझते हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विथ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के साथ। अगर इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 दिया होता है, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का, ये वन वेरिएबल है, क्या है वन वेरिएबल, इसके अंदर क्या है वन वेरिएबल है, यानी कि इसमें वेरिएबल की बात की जाए तो वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसके अंदर वेरिएबल तो एक ही है, एक्स ही है केवल। अगर बात की जाए वन वेरिएबल है बट
कि ये क्या, इनका वेरिएबल क्या है, एक्स है। इसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन वन वेरिएबल है विच और नॉट, ये हमारा वन वेरिएबल है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे केवल वाई दिया हुआ है, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टी दिया जा रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन, तो ये भी हमारा क्या है, वन वेरिएबल का वन वेरिएबल है। और इस अगर अंडर रूट की पावर बोली जाए, अंडर रूट टू, अंडर रूट टी के बारे में अगर देखा जाए, तो टी मीन्स वॉट, टी मीन्स वॉट, टी का मतलब वन अपॉइंट टू, इनकी पावर वन अपॉइंट टू दी हुई। ये भी फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का क्वेश्चन है जिसमें देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि इनके क्या कंटेंट कर रहा है, तो ये वाई इनवर्स कंटेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा वन वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अंदर एक्स भी है, वाई भी और टी भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो वन वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड भी हैं, यहाँ पे ये थ्री वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, और सबकी पावर भी दी हुई है, उनकी डिग्री दी हुई है कि इनकी डिग्री क्या क्या कंटेन करके ये रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो वो भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इनके अंदर में बताना है एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स। देखिए कोफिशियंट्स बताना बड़ा आसान होता है किसी भी क्वेश्चंस के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं कोफिशियंट्स के बारे में, तो देखिए पहले क्वेश्चंस में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वन। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में, वो हमारा है -1। अगर इसमें देखा जाए कि थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास π/2। इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर, तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कॉफिशियंट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो जीरो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल्स डिग्री का, जिसमें कि डिग्री उसकी 35 हो और मोनोमियल में 100 हो। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, हमें 35 में डिग्री क्या चाहिए। देखिए पहला टर्म्स हमारे पास दिया जा रहा है 35, जिसे बाइनोमियल्स में हमें चेंज करना है। तो बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं वो हमारा बाइनोमियल्स टर्म कहलाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर 35 + 7, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से 100 डिग्री का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए, तो कोई भी एक टर्म लेना है जिसमें 100 की डिग्री होनी चाहिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि 3x की पावर 100, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर्स रख सकते हैं। इसी तरीके से बात की जाए क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, सारे पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री फाइंड आउट करके बतानी है। तो 5x³ + 4x² + 7 दिया हुआ, तो देखिए सबसे पहले अगर 5x में बात की जाए, तो यहाँ पे 5x की जो डिग्री दी हुई है वो हाईएस्ट डिग्री जो दी हुई है इसकी 3 दी हुई है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे y² की जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर टी की डिग्री 1 हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर उसकी डिग्री कुछ भी नहीं हुई, तो 0 हो जाएगी, यानी कि 3x का क्या हो जाएगा, 0 होगा, वहाँ पे कुछ भी नंबर दिया ही नहीं हुआ हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है क्लासिफाई करके कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है पॉलिनोमियल्स। तो पहले वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स दिया हुआ, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्वाड्रिक है। पहले वाले में देखा जाए तो क्वाड्रिक के बारे में आपको पता है, जिसमें दो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब होता है जिसके अंदर तीन, जिसकी ये पावर 3 होती है वो हमारा क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में आपको आइडिया हो चुका है कि क्वाड्रेटिक का कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। इसी तरीके से फोर्थ वाले में देखा जाए, तो ये हमारा मोनोमियल्स हैं, जो जिसको आप लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर बोलिए या मोनोमियल बोलिए, लीनियर है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक होते हैं। फिफ्थ वाले में देखिए अगर यहाँ भी, तो ये भी हमारा लीनियर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे इनकी पावर 2 है, तो हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं इन्हें, यह हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो 7 में देखिए आप 3 दिया हुआ, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं।
ये हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल से। ये बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। अगर आप और सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.tiwariacademy.com। वहाँ पर आप जा करके कम्प्लीटली हमारे सोल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, वहाँ पर आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।